कोई नहीं, आ जाइए वापस। दर्द की वजह से सीधा नहीं चल पा रहे बिल्कुल। गेट तक चल के आइए, यहाँ तक। हाँ, आ जाइए वापस, एक बार फिर जाएंगे। और आगे तक आओ, पीछे जाइए। हाँ, मतलब जिस समय शुरू में इंजेक्शन से पहले जो चीज थी और जब उसमें तो अभी घूट भात धर चल रहे साहब, अब तो बहुत फायदा मिल रहा है। हाँ बहुत फायदा दिख रहा है, लग रहा है कि 50-60% फायदा हो गया। हाँ मतलब जो पहले चीजें थी उसमें है कमी आ गई, आधी कमी आ गई साहब। कमी आ गई। चलो ठीक है, आ जाइए। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर करण सिंह, ये 53 साल के हैं और राजस्थान से हमारे पास आए हैं। ये किसान हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या इस समय ये हो रही है कि पिछले 20 दिन से इनके राइट लोअर लिम में पेन स्टार्ट हुआ, बटक से रेडिएट करता हुआ पूरा नीचे तक जा रहा है। किसी प्रकार का कोई झंझनाहट नहीं है, कोई सुनपन नहीं है, पर ये चल नहीं पा रहे हैं। अब इनकी वीडियो में देखोगे, जब ये हमारे पास एंट्री कर रहे हैं तो इनको झुक के चलना पड़ रहा है ऐसे, बिकॉज ऑफ सिवियर पेन इन लेग। चबके चल रहे हैं पूरा। क्या तकलीफ हो रही है करण सिंह जी आपको इस समय? चाप का चल रहे हैं साहब, एम बेसेस। अच्छा, हाँ, 24 घंटे दर्द हो रहे हैं। 24 घंटे दर्द तो हो आपने रहा अपने वहां राजस्थान में, कहाँ से हो आप? है। राजस्थान कामा तहसील से। वहां हाँ दिखाया आपने, दिखाया था, दवाइयाँ ली, दवाई भी ली, नहीं आ रहा आराम, नहा रहा दर्द बिल्कुल हूँ कंट्रोल नहीं हो रहा। ना। सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ शाटिका। और इनकी कमर के अंदर हमने एग्जामिन किया, किसी प्रकार कोई टेंडरनेस नहीं, वो इन्फ्लेमेशन है। देर इज नो टेंडरनेस ओवर सैक्रोइलियक ज्वाइंट्स ओवर द स्पाइन। क्योंकि 53 की एज में अभी फार्मर रहे, हमेशा से भारी काम ये करते रहे, तो डिस्क यूजली गेट ड्राई। इनके MRI में L4, L5, L5 S1 डिस्क प्रोलैप्स है, उसके साथ में नर्व कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि देर इज कंप्रेशन ओवर द नर्व रूट, और साथ में कनाल स्टेनोसिस है, यानी कि नर्व के निकलने का जो रास्ता है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। कोई झंझनाहट, कोई सुनपन, कोई नहीं पता, है सिर्फ साहब, दर्द है, सिर्फ दर्द। चीजें सर चल रही हैं। चीजें चल रही हैं, और ये झुक के क्यों चल रहे हो आप? दर्द की वजह चीज से? के बाद यदि चीज चक्कर की वजह से। चल ठीक है, एक बार लेट जाइए। इस वाले पैर को उठाना है, अगर खिंचाव लगे तो बताना, रहे यहाँ पे आगे यहाँ के से स्टार्ट करेंगे। तो लिए। SLRT अभी दोबारा से उठाएंगे, घुटने को मोड़ना नहीं, अब उठाइए जहाँ चीज स्टार्ट हो यहाँ पे। तो यहाँ SLRT 40-50 इस वाले को उठाइए। ओके, चीज चप के भयंकर चल रहे हैं, भयंकर ये भी पूरी चीज। टाइट लगी हुई है। हाँ तो वी आर डिसाइडेड टू गो फॉर beta 1, 2, 3 and beta 5, बिकॉज इनकी थाई के अंदर भी काफी ज्यादा स्पाजम है। लेट्स सी कि आधे घंटे के बाद कितना क्या इनको इम्प्रूवमेंट है, क्या चीज चप के बंद हो रहे हैं, क्या दर्द में कोई कमी आई है। तो पिछले 20 दिन से पूरे के पूरे दर्द से परेशान है, और नींद भी डिस्टर्ब हो गई पूरी, ना है साहब, नींद ही नींद नहीं आ रही नहीं 20 दिन है। से। ठीक, सो वी हैव गिवन हिम beta 1, 2, 3, और अब मैं beta 5 के लिए जाऊंगा, जो हम बेसिकली काफ के अंदर लगाते हैं। देन वी विल सी आफ्टर 30 मिनट्स की क्या इंप्रूवमेंट इनको आ रही है। क्या चीज सबके में जरूरी नहीं है कि एकदम से पूरा का पूरा बंद हो जाए, बट डेफिनेटली इस इंप्रूवमेंट हमें नजर आनी चाहिए। तो आज जो हमारे पेशेंट मिस्टर करण सिंह है राजस्थान से, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे 24 घंटे, इनको दर्द था, चीज़ें इनको चल रही थी, और आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह के झुक के इनको चलना पड़ रहा था। हमने इनको DSC भी इंजेक्शन लगाया, beta 1, 2, 3 plus beta 5, और इनसे जानते हैं कि इस समय इनके दर्द चीज़ में कुछ आराम पड़ रहा है, कैसा है, आराम है जी, अब तो कितना आपको आराम लग रहा है? अभी पैर जब आए घर ते वाते तो आधे सौ आराम लग रहा है। 50% आराम आया है। हाँ जी, चीज़ें तो बिल्कुल चल रही थी, वो बंद हुई है। इस चर है तो सही, अभी बिल्कुल तो बंद ना है पर हैं, कितना परसेंट? कम है। 50% आराम आ गया वो, हाँ 50% ठीक लग रहा है। मतलब जो दर्द आपको पिछले 20 दिन से लगातार लग रहा लगातार है, था, उसकी जो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब जितना वो हो रहा है उसमें कमी आने लगी है, कुछ कमी आई है। कमी आने लगी है, हाँ जी तो लग रहा है कि हो जाओगे ठीक। हाँ साहब, लग दो सो मेरे को। इंटेंसिटी ऑफ पेन इज डिक्रीजिंग, जो इंटेंसिटी थी जिस सिवियरिटी से था। और अच्छी बात यह है कि DSC भी इंजेक्शन के आधे घंटे के अंदर, पौन घंटे के अंदर अभी इनको चीजें जो है कम हो गई है। कोई भी मैजिक नहीं होता किसी भी दवाई का, कि हम कोई मैजिक नहीं कर रहे। एक DSC भी इंजेक्शन एक तरीके का ब्लॉक है, जो कि बहुत ही साइंटिफिक मेथड है कि हम किस किस पॉइंट्स के ऊपर से इंजेक्ट कर रहे हैं, सो दैट जो नर्व इनकी, बिकॉज ऑफ शाटिका नर्व इनको तकलीफ दे रही थी, उन उन पॉइंट से हम नर्व की इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हैं, नर्व की इरिटेशन को कम कर रहे हैं। दैट इज DSCB, ठीक है, डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक। जो भी सोडियम चैनल्स होते हैं वो पेन कैरिंग चैनल्स होते हैं हमारी नर्व के अंदर, हम उनको टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं ताकि नर्व की इन्फ्लेमेशन कम हो सके, पेशेंट को फिर हम रिहेबिलिटेशन फिजियो मेडिकेशन के तरफ लेके जाते हैं। एक बार उठ के देखते हैं कैसे चलने आ रहा है। आराम से उठना, करवट लेके उठना आपको हमेशा ना।
अभी चल के देखिए, चल के देखते हैं आराम से गेट तक चल के आइए यहाँ तक। हाँ आ जाइए वापस, एक बार फिर जाएंगे और आगे तक आओ, पीछे जाइए। अभी जो शुरुआत में लग रहा था बिल्कुल चलते समय आगे झुकना पड़ रहा था, वैसा तो नहीं लग रहा ना, लग रहा था पर चीज ही हम अभी चले जब चीज है, चीज है लेकिन बेटर है ना पहले से। पीछे जाइए, झुकने ऐसा लग रहा है कि झुकना पड़ेगा? ना ना ऐसा तो ना लग रहा, सीधा करके चल सकते हो ना? हाँ सीधा करके चलिए आराम से, चीज मार जितने सीधा करें इतनी चीज इतना चीज चलती है। अभी चल के आइए, अभी चलने में पहले से कुछ कमी महसूस हो रही है? हाँ, लग रहा है कि पहले से कुछ पहले कम है, मतलब जिस समय शुरू में इंजेक्शन से पहले जो चीज थी और जब उसमें तो अभी घोट फाद दर्द चल रहे साहब, अब तो बहुत फायदा मिल रहा है, बहुत फायदा दिख रहा है। हाँ लग रहा है कि 50-60% फायदा हो गया, मतलब जो पहले चीजें थी उसमें है कमी आ गई? हाँ आधी कमी आ गई साहब। कमी आ गई, चलो ठीक है। हाँ जी, इस तरीके से DSCB इंजेक्शन काम करता है कि एक्यूट पेन को रिलीव करता है। इनको बहुत ही सीवर पेन चल रहा था और उसकी इंटेंसिटी में जो दर्द है उसके अंदर आपको कमी आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। अभी वैसे इस कंडीशंस के अंदर हम बहुत बार पेशेंट को एडमिशन एडवाइस करते हैं, मैंने इनको भी यही कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो बेटर आप एडमिशन लें, और ताकि हम आपको 24 घंटे के अंदर दोबारा से, राजस्थान से हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है कि 24 घंटे के अंदर हम इंजेक्शन को अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर दोबारा से रिपीट कर सकते हैं जिन पेशेंटों के अंदर इमीजिएटली रिलीफ नहीं है। पर ये एडमिट नहीं हो पा रहे, मैंने इनको 10 दिन के बाद दोबारा बुलाया है कि देखेंगे इस समय इनकी क्या कंडीशन है, कितनी और इम्प्रूवमेंट है। इस दौरान पेशेंट मेडिकेशन लेगा, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन एंड आइस पैक एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, DSCB इंजेक्शन के माध्यम से बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस को ठीक किया जा सकता है, पेन को मैनेज किया जाता है, साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन दिया जाता है। DSCB इंजेक्शन के सक्सेस रेट 85-90% है यंग इंडिविजुअल्स के अंदर जिनके अंदर शाटिका की समस्या है। इसको डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज के लिए भी दिया जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, इन सारी कंडीशन के लिए दिया जाता है। आपको, आपके परिवार में, आपके जानने वालों में किसी में इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की शोल्डर इंजरीज है, आपको एंकल इंजरीज है, आपको नी में आर्थराइटिस है, रोटेटर कफ इंजरीज है, आपको ACL टीयर है, मेनिस्कस टीयर है, पार्शियल ACL टीयर, इन सारी कंडीशंस को हम बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के विद द हेल्प ऑफ डेक्स्ट्रोज या PRP प्रोलोजन थेरेपी ठीक करते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी MRI रिपोर्ट्स भेज के हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।